आज है हॉलीडे और मैंने सोचा ये हॉलीडे का फ़ायदा उठाते हैं और नवरात्रि में मैं शिवरानी वगैरह जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा है कि आज मैं शिवरानी माता के दर्शन करके आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि अभी क्या माहौल है, किस तरीके से वहाँ पे दर्शन वगैरह अलाउड है नहीं अलाउड है, क्या है सब आपको जानकारी दूँगी। और मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो न्यू बॉम्बे से मैंने ट्रेन पकड़ी है और मैं कुर्ला में चेंज कर ली टू दादर एंड दादर से मैं दिल्ली की विरार के लिए ट्रेन पकड़ूँगी। तो गाइस अभी तो मैं फिलहाल ट्रेन में हूँ और आगे मैं आपको अपनी जर्नी दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए और माता के दर्शन करने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ। विरार जाने के लिए आपको वेस्टर्न लाइन से ट्रेन मिलेंगी, आप वेस्टर्न लाइन से ट्रेन पकड़ सकते हैं एंड देन आप विरार स्टेशन उतर सकते हैं और उसके जो चार्जेस होंगे अकॉर्डिंगली आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने नवी मुंबई से ट्रेन ली थी तो इसलिए मुझे कुछ 25 रुपीज़ चार्जेस हुए, जो रिटर्न में मुझे 50 रुपीज़ रिटर्न टिकट मिला और मैं स्टेशन उतर गई। और स्टेशन के यहाँ से आपको मंदिर दिखने लग जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। तो स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जीवदानी टेंपल जाने के लिए जो 20 रुपीज़ लेते हैं, तो मुझे मेरी ऑटो मिल गई है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे, तो आपको मैं मिलती हूँ मंदिर पे। स्टेशन से मंदिर का रास्ता कुछ 10 मिनट का है और आपको स्टेशन से ही मंदिर दिखने लग जाएगा, जो ऑटो से भी आप मंदिर को देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है और रास्ता भी ठीक ठाक है और आप वहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि ऑटो से उतरते ही आपको शॉप्स वगैरह लग जाएंगी, जो कि आप चाहें तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, अदरवाइज़ आप ऊपर जाके भी ले सकते हैं। जो प्रसाद का प्राइस है वो 30 रुपये से स्टार्ट होता है, जो थाली होती है 30 रुपये से स्टार्ट है एंड बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक लेना चाहते हैं, बट स्टार्ट होते हैं जो प्लेट्स हैं वो 30 रुपीज़ से हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली वी रीच जीवदानी माता मंदिर। प्लानिंग था कि हम रोप वे से जाएंगे बट अब सोच रहे हैं कि पैदल ही जाएंगे। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स मंदिर में घुसने से पहले ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको चप्पल स्टैंड है और जो कि विदाउट मतलब बिना पैसे पे किए है। जीवदानी मंदिर महाराष्ट्र के विरार शहर में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि पांडवास ने उनके वनवास के समय इस मंदिर को बनवाया था और इस मंदिर में काफ़ी सारे जलकुंड हैं जो कि जिनमें से बहुत सारे जलकुंड जो हैं वो सूख चुके हैं और इस मंदिर में लगभग 1300 सीढ़ियां हैं। पहले ये मंदिर बहुत छोटा और चढ़ाव बहुत सक्रिय था बट जिस हिसाब से समय बदलता गया उस हिसाब से ये मंदिर भी डेवलप होता गया। जीवदानी माता के दर्शन करने के लिए हर साल हर रोज़ कई सारे भक्त जीवदानी मंदिर आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मन की जो मुराद होती है मनोकामना होती है वो काफ़ी जल्दी पूरी हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन और दशहरे के दिन का मुख्य समारोह किया जाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक जो भक्त हैं वो आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और जो यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पैदल चल के नंगे पैर आते हैं और 1300 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और आप आगे देखेंगे मेरे वीडियो में कि काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो कि हर एक सीढ़ियों पे कपूर जलाते हुए ऊपर आते हैं, तो वो उनकी
जो मन की इच्छा होती है उसे पूरी करने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए हम लोग और नज़ारा कुछ इस तरीके से, क्योंकि अभी 5:30 होके चले गए हैं, 6 बजने वाले, तो थोड़ा अभी खाली खाली है। हिंदी और रविवार, शनिवार, रविवार और शुक्रवार, स्पेशली ये वीकेंड्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग छुट्टियों के दिन यहाँ पे आते हैं और माता के दर्शन लेते हैं। इतना बड़ा है यार, दर्शन हो गए और अभी हम थोड़ा यहाँ पर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड आरती होती है यहाँ पे 7:30 बजे, जो कि अभी जो पब्लिक है उनको अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने फिर हम नीचे जाएंगे। और दर्शन बहुत अच्छे हो गए, आपने देख ही लिए होंगे वीडियो, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अभी चलिए मैं आगे आपको जो यहाँ पे और भी मंदिर हैं छोटे वो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे। तो चलो
ऊपर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो बाय स्टेयर्स है और दूसरा है केबल कार से, जो रोप वे टाइप में है। तो केबल कार अगर आप लेते हो तो 150 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड है, और आप बाय वॉक आते हो तो जैसे मैं आई हूँ वैसे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आधे घंटे में आप आराम से ऊपर आ जाओगे रिलैक्स करते हुए भी। और हमने 5:30 बजे स्टार्ट किया था और 6 बजे हमारे दर्शन भी हो गए और अभी 6:15 हो रहे हैं, तो हम लोग नीचे भी उतर रहे हैं। तो इतना कोई हार्ड नहीं है, सही है मतलब, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। एंड अभी मैं जा रही हूँ नीचे और कुछ यहाँ के व्यूज़ है वो आप इंजॉय कर रही है। और अगर आपको मेरी एक जीवदानी माता की जो जर्नी थी वो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये अमेजिंग व्यू के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये पूरा विरार यहाँ से दिख रहा है और बहुत ज़्यादा सनसेट तो हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। रात हो चुकी है, 7:30 हो रहे हैं और अभी ये ऐसा माहौल है। और वो